अंधकार था, जहां चारों समस्त काम कर रहा था वहीं मेजर मैकडोनाल्ड कूटनीति से खेल रहा था। जहां किसी को पकड़ता शब्द के बिना पर या तो उसे गोली मरवा देता या तो उसे फांसी पर चढ़ा देता। और thank you.
कि जब हमारे साथ हो या ना ही हो, हम तो हमेशा से आपके झूठ झूठ मत बोलो भवानी पर। हम मान जाए कि कभी थे तुम हमारे साथ, लेकिन अब नहीं हो। कोई गलत खबर पहुंचाया, अब हमेशा से सरकार बहादुर का साथ दिए, हर लड़ाई में साथ दिए। मानते हम भी मानते हैं भवानी बस कि कौन बदमाशों के खिलाफ विश्रामपुर ने हमारी सहायता की थी, तो बदले में हमने भी तुम्हें निराश नहीं किया। मदद के बदले सबको रियायत की गई है, तुम्हें भी। बोलो भवानी बस, बस गलत बोल रहा हूँ? जी नहीं। और विश्रामपुर के सालाना माल गुजारी में हमने पूरे 250 रुपए की रियायत की है। मदद के बदले तुम्हारे नाम सरकारी धन्यवाद पत्र विचारी करवाया, पर बदले में तुमने क्या किया भवानी बस? फरवार भोक्ता लोगों के साथ मिल गए, जो तुमने बागी मनमान भोक्ता लोगों का मदद किया। तुम्हारे इलाके में तुम्हारी भाषा में ऐसे ही नमक हरामी कहते हैं भवानी बस। तुमने कोल बदमाशों के हंगामे के समय सरकार का साथ दिया था भवानी, हमें उसी का लिहाज है, इसलिए आज चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। तो जो मर्जी तरह जानते हो भवानी बस, कभी तक तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे विश्राम पर कभी चला कर पलामू का राज बनने का सपना मत देखो भवानी बस। मैंने राजा बनने का सपना नहीं देखा। तुम अपने विश्राम को रियासत में खुश रहो और बाकी बदमाश भोगता लोगों का साथ देना छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा भवानी बस। हमने राजा बनने के लिए भोगता लोगों का साथ नहीं दिया था। गुड, वेरी गुड। असल में मेरे बारे में किसी ने गलत खबर पहुंचाई। अपना गुच्छा जीना होगा।
बदले में हम तुम्हारे विश्रामपुर में हवन चंद कायम रखने का वादा करते हैं। हम ये तुमको लिखित में देगा, आप खुद मंजूर है या नहीं है हमारी बात? जी सिख जी, सिख जी मत बोलो हमारी बात, साफ बोलो कि तुमको हमारा ऑफर मंजूर है या नहीं। विश्रामपुर के सीमा के भीतर कोई अंग्रेज सिपाही नजर नहीं आएगा। तुम्हारी विराया को हमारी ओर से कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तुम्हारे विश्रामपुर की हैसियत खुद मुख्तार स्टेट चैप्टर मानी जाए, लेकिन ये जब ही होगा जब तुम हमारी वफादारी के शपथ लेने होंगे। सबको अलग अलग कर दिया।
रानिया सा भूखा सा और मोर पे काशी उचरना मान इन लेफ्टिनेंट ग्राहम के सामने जाके आत्मसमर्पण कर दिया और लेफ्टिनेंट ग्राहम का दूध बन कर रानिया का भूखा सा नीलांबर पीतांबर से जाके मिला। नहीं नहीं हम ये नहीं मानते हैं, ये कुलवर जो की खबर जाल है वो हम लोग को पकड़ने जाता है, इसे को मार देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रानी ने तो कहा है जो हथियार डालेगा उसको क्षमा मिल जाएगा, आगे हमको भी तो क्षमा मिलेगा ना। तू तो बोल मत, तू कुत्ता कुत्ता। लक्ष्मी भाई जैसे लोगों को ही 1857 के विद्रोह का
हीरो मानती और मनाती रही। ये एक कहानी है जो दूसरी कहानी में तुम्हें और तुम्हारे जैसे युवाओं को यह सोचना होगा कि क्या ऐसे ही अगवा कर रहे लोगों को हम 1857 की क्रांति का हीरो माने या फिर उन आदिवासी भाइयों को भी स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं जो कि हमेशा से शोषित ही थे, सदियों के वंचित थे, जो कुलीन जैसी समन और साम्राज्यवादी अंग्रेजी सत्ता दोनों जो अपनी स्वायत्तता अपने जल जंगल और जमीन के पारंपरिक अधिकारों के लिए दोहरी लड़ाइयां लड़े और फिर मारती जॉन तुम्हें और तुम्हारे जैसे युवाओं को यह सोचना होगा, सोचो असल आजादी के लिए कौन है? इस बड़ी टीम को आप सब की तरफ से फिर धन्यवाद साधुवाद की बड़ी तालियों का जोरदार तालियों की आवाज की बोली डॉक्टर डॉक्टर सुनाई थी। हमारी ये टीम तब तक पूरी नहीं हो सकती है जैसे कि हम लोग आम खाते हैं उसके गुठलियों के भी दाम कभी कभी पा जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि इसकी जमीन के नीचे बीज कहाँ से आया। तो हम नहीं भूले ये टीम तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इसके बीज डालने वाले यानी कि महासमर की सांझ उपन्यास के लेखक श्री राकेश कुमार सिंह इसमें शामिल न हो और वो मौजूद है अस्पताल में। मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि राकेश जी कृपया मंच पर आए और इस टीम में शामिल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अनुमति दिया यहीं से बैठा है, आपने अनुमति दिया कि इसका नाट्य रूपांतरण हम करें और आज ये इसकी दूसरी प्रस्तुति आप लोगों ने देखा। इसकी पहली प्रस्तुति लगभग 10 दिन पहले वाटिका में हुई थी और आज ये दूसरी प्रस्तुति है और हम जंगल जमीन और अपनी जान की बात करते हैं। शुक्रिया राकेश जी प्लीज बीच में आइए, आप यहीं से तो शुरुआत हुई बीच से। थैंक यू जल्दी में है क्योंकि एक नाटक और है। ये जितेंद्र दास ये कोलकाता से आते हैं लाइव करने के लिए और रघुदास आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम व्यावसायिक दृष्टिकोण को
अलग रखकर भी नाटक के लिए आज भी अपने पैरों पे खड़ा है और इनके धड़कन को बचा कर रखे नाटक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु आपका भी, प्लीज आप भी मंच पर आ जाए। और ये जितेंद्र कोलकाता से लाइव के लिए आते हैं हमारे साथ, और ये कनक कनक लता देवी, ये बुढ़ा की भूमिका में कामरू प्रसाद सिन्हा, और ये नया नया जिला है, बस दूसरा नाटक है, दूसरी बार ये मंच पे उतरा है। और ये आकाश, इसका भी बस दूसरा नाटक है ये आकाश। ये राहुल बहुत मेहनती करता है, पूरा स्टेज का और जितना भी ड्रेस का जिम्मा रहता है ये अपने कंधों पे उठा के रखता है। ये दूसरा मिश्रण बहुत ही पुरानी शक्ति हम लोगों के। और ये अभिषेक, बस दूसरी प्रस्तुति है इसकी, अपने जीवन की दूसरी प्रस्तुति आप लोगों ने देखा। ये उज्ज्वल सिन्हा बहुत ही सशक्त साथी हमारे मासूम आर्ट ग्रुप के, धन्यवाद उज्ज्वल। और ये सचिन, बस अपने जिंदगी में दूसरी बार ये नाटक किया, पहली बार दूसरी बार आप सबसे दूसरी प्रस्तुति। और ये मुनमुन चक्रवर्ती, जिसके बिना हम मासूम के लोग सांस भी नहीं लेते, छवि नाटक की दुनिया में बनाया था उससे अलग के आशीर्वाद से और भैया के अनुमति से कुछ अलग करने की कोशिश की जिंदगी में पहली बार। और ये गिरीन्द्र, ये भी दूसरी बार कर रहा है, सोचिए कितना बड़ा जुआ खिला है मैंने। विनम्र विनम्र जैसे कैरेक्टर पहली बार नाटक करने वाले लड़कों को दिया है और देखिए मेरा जुआ जीतने में कितना बड़ा मदद किया है मैंने। और दूसरी प्रस्तुति है इसकी जिंदगी। और ये क्या बताऊं मैं इसके बारे में, ये चंदन है और अपनी खुशबू को छुपा कर ही रखता है, घिसने के बाद पता चलता है कि चंदन में महक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये संजीव गुरु जी, शिक्षक है पेशे से और उपायुक्त महोदय पलामू ने विशेष इन्हें छूट किया है क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता लागू है, बाहर जाना मना है किसी जिला से, लेकिन उपायुक्त पलामू ने विशेष रूप से इन्हें छुट्टी दी है, गृह जिला त्याग करने की अनुमति दी है, उनका शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ है। और ये सूरज शर्मा, ये सेट डिजाइन कितना डिजाइन नहीं जितना बनाने का काम इसी के जिम्मे है, सूरज शर्मा के जिम्मे, और ये अभिनय भी करता है। और ये मुकेश, ये भी बहुत पुराना साथी है हमारा, अविनाश जी इन्हें आप फिल्मों में वेब सीरीज में भी देखेंगे, बहुत पुराने साथी है हमारे। ये आसिफ राजा खान, इसने रोजा तक छोड़ दिया कि भैया रोजा रखेंगे तो मेहनत नहीं कर पाएंगे, सोचिए आपका। और ये अमर कुमार राजा, राजा बहुत पुराना साथी हम लोगों का। और राज प्रतीक पाल, ये भी बहुत उभरता हुआ कलाकार है। और विजय भैया, ये सुदूर यूपी से आते हैं, पहले तो साइकिल से आते थे लेकिन अब साइकिल का दोनों चक्का पंचर है तो अब हाईवे से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। विजय भैया हमारे गुलाबों पर आ जाते हैं। और ये सिकंदर पलामू को मिट्टी के लाल, ये भोजपुरी के बिहार का अक्षर है हमारे यहाँ के, और नाटकों में भी काफी समय देता है। और भैया रांची के ही हैं और हमारे एक गुलाबों पे मुन्ना लोहार जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अनिल सिंह जी का भी, उन्होंने फैसले कर दिए और इनका बता दिया, इन्हें भेजा हम सरकार बजाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजीव, संजीव संजीव और आकाश, संजीव संजीव, ये पूरा सेट डिजाइनर, जितना सेट का डिजाइन देख रहे हैं संजीव करता है। और आकाश, आकाश राज दिख नहीं पाएगा, गोरा हो जितनी रिफ्लेक्शन उतना नहीं जा रहा है, थोड़ा जरा थोड़ा सा। ये आकाश है, बहुत अच्छा एक्टर, लेकिन इसमें जगह नहीं मिली इसे, तो साथ में है, देखिए यही नाटक का महत्व है। और चीकू स्वास्थ्य अंकित हमारे साउंड इफेक्ट में थे, स्वास्थ्य कर्मी चीकू का भी शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद एक मंच पे इतना बढ़िया साउंड सिस्टम मिला, मजा आ गया करने में, थैंक यू शिव भैया बहुत अच्छा साउंड सिस्टम देने के लिए, शुक्रिया आप दर्शकों का और शुक्रिया रांची प्रेस क्लब का हमें यहाँ बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रंगमंच रंगकरण के बहुत पुराना साथी जिन्होंने हिंदी रंगमंच को एक पहचान दी
और इतनी रंगमंच से एक मुकम्मल पहचान बनाई हम सब के प्रिय रंगकर्मी संपूर्ण रंग व्यक्तित्व कैटर करते पास है। बड़ी ताली, बड़ी ताली। मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय से संजय मिश्रा जी से क्या आए और सहजा जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें, उनकी पूरी टीम भी आप में सहजा जी का सम्मान अभिनंदन प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री संजय मिश्र के द्वारा। देखते हैं, बैठो हम आते हैं देखते हैं।